नागपुर दक्षिण पश्चिम से देवेंद्र फडणवीस मैदान में हैं और जाहिर तौर पर बीजेपी की जीत को लेकर वो बहुत ज्यादा आश्वस्त और इसके पीछे 715 वो रैलियां हैं जो बीजेपी के बड़े नेताओं की ओर से की गई हैं। इन सब के बीच हमारे साथ बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल जी भी जुड़ चुके हैं। मनीष अवस्थी हमारे साथ मुंबई से मौजूद है, जिनके साथ डॉक्टर समीर दलवाई जो की एनसीपी के स्पोक्स पर्सन है वो मौजूद है। मनीष जी, अगर आप बात कीजिए डॉक्टर दलवाई से और ये जानने की कोशिश कीजिए कि एनसीपी अपने आप को महाराष्ट्र में कहां देख रही है। डॉक्टर दलवाई, ये बताएं कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने बारामती में पवार के गढ़ में जाकर उनमें जो सेन लगाने की कोशिश की है, आपको नहीं लगता कि अजीत पवार की जिस तरह से अड़ियल रुख की जो उनकी एक पर्सनालिटी रही है, उनका अपना एक जो शख्सियत रही है, जिस तरीके से बेबाकी से कुछ भी जो मुंह में आए वो कह देना, मुंह फट तरीके से लोगों से बातचीत करना, तो आपको नहीं लगता कि ये एनसीपी के लिए काफी नुकसानदेह हो सकता है? अभी ऐसा है कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर घटना या वाक्य पे ही फोकस करें और उसके सामने जो एक शख्स ने जिंदगी भर जो काम किया है समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, उसको दरगुजर करें, तो फिर ये मैं समझता हूँ जनतंत्र में एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। जो शख्स ऑलरेडी 5 बार चुन चुका है वहाँ से, अभी 6ठी बार वो विधानसभा में जा रहे हैं और कभी भी कोई चुनाव वहाँ हारे नहीं, ऑब्वियस है कि वो समाज के लिए, जनता के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वहाँ काम कर रहे हैं। और चुनाव हारे नहीं, लेकिन लोकसभा के नतीजे देखे डॉक्टर दलवाई, तो उसमें साफ दिखाई देता है कि जो मतों का परसेंटेज है, मतों का जो प्रतिशत है, वो काफी कम हुआ है। 3.5 लाख की मार्जिन और कहां 70,000 की मार्जिन। बिल्कुल, लेकिन अगर आप पूरे देश में देखें तो एक तरीके से इस तरीके से एक एटमोसफियर था कि सब बहुत बड़े दिग्गज नेता अपना चुनाव हार चुके और सभी पार्टी से हम देख रहे हैं, तो उसके मुकाबले कम से कम वहां पर हम देख रहे हैं कि उतना असर नहीं पड़ा है। और इसका ये उसके कारण ये है कि पिछले कई वर्षों से पवार साहब वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी वहाँ से जो जनता के साथ एक मिलाव है, जो उनका एक गठबंधन है उनके साथ। अजीत पवार ने, डॉक्टर दलवाई, आपके गृह मंत्री रह चुके, उप मुख्यमंत्री रह चुके आरआर पाटिल के बयान को देखिए, और वो भी कुछ ही दिन पहले वो एक बलात्कारी को ये सलाह देते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा किया होता तो ज्यादा बेहतर होता। अपने आप में आपको नहीं लगता कि ये एक शर्मनाक बयान था? ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ अपने पक्ष की तरफ से और वैयक्तिक तौर पे भी कि ऐसा किसी ने वक्तव्य किया होगा तो ये उनका वैयक्तिक व्यक्तिमत्व है और इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। वो उस व्यक्ति को खुद सोचना चाहिए वो किस गंभीरता से किसी टॉपिक के बारे में बोल रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि आप वो एक पार्टी को उसी एक लाइन से बार बार बदनाम करने की कोशिश करें। दीपक भाई, मैं एक 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 ब्रेकिंग खबर जो अभी आ रही है वो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। ब्रेकिंग खबर ये है कि नागपुर और विदर्भ के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है और नागपुर से 30 किलोमीटर दूर सावनेर मतदान केंद्र में एक बिजली गिरने की खबर आ रही है, जिसमें 8 से 10 लोगों के घायल होने की जानकारी है। ये प्राथमिक जानकारी आ रही है। नागपुर से 30 किलोमीटर दूर सावनेर के पारशिवनी मतदान केंद्र में बिजली गिरने की खबर आ रही है, जिसमें 8 से 10 लोगों के घायल होने की जानकारी है और विदर्भ के कई इलाकों में धीमे या रुक रुक कर या तेज बारिश होने की समाचार भी सामने आ रहे हैं। तो चित्रा, मौसम भी जो है वो लोगों का साथ नहीं दे रहा है, यहाँ पर ये कहना पड़ेगा। लोग अपने घरों से बाहर निकले, लेकिन इन सब के बीच वो बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम दे देते हैं। इस पर हम जाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री मोदी पर दिए गए अपने बयान से पलट गए हैं। आज के सामना में उन्होंने कहा है कि जब आम आदमी पीएम बन सकता है तो फिर सीएम मैं क्यों नहीं बन सकता। दीपक जी, दिलचस्प सिर्फ इतना है कि चाय वाला पीएम बन सकता है तो मैं क्यों नहीं, चाय वाला शब्द हटाकर अब आम आदमी वहां पर जोड़ दिया गया है। बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक अटैक की तरह देखा जा रहा था, लेकिन अब वो मेलो डाउन किए हैं। अब उन्होंने अपने जो इस रुख को थोड़ा नरम किया है। शिवसेना भी जो पार्टी है वो जो हमको संकेत मिले हैं उसके हिसाब से एक पोस्ट पोल अलायंस की तरफ उसका रुख है। वो चाहती है कि बीजेपी की तरफ से सभी दरवाजे उसके लिए बंद ना हो जाएं। इसीलिए प्रेम शुक्ला ने जो कल आर्टिकल लिखा था जिसमें प्रधानमंत्री के पिताजी का जिक्र किया गया था और आर्टिकल की भाषा जो है वो काफ़ी आपत्तिजनक है, उससे भी उद्धव ठाकरे ने किनारा किया है, उससे भी उन्होंने अपने आप को अलग किया है। तो ये एक संकेत है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो शिवसेना और बीजेपी चुनाव के बाद भी एक साथ हो सकती है और इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे साथ जगदीश उपासने जी भी हैं। जगदीश जी, आपको क्या लगता है कि इस बात की कितनी संभावना हो सकती है कि चुनाव के बाद बीजेपी शिवसेना अगर ज़रूरत पड़े तो एक साथ हो जाए?
मुझे फिलहाल उसकी कोई संभावना लगती नहीं है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने ये कोशिश ज़रूर की है, लेकिन उन्होंने जो किया है चुनाव प्रचार में, नरेंद्र मोदी हो या भाजपा के दूसरे नेता हो या भाजपा हो, उनकी तुलना अफजल खान और आदिल शाह वगैरह से जो की है, उसका एक तो नकारात्मक असर उनके पोलिंग पर होने वाला है। महाराष्ट्र में इस तरह की चीज़ें अब तक आप एक थे, और मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र के मतदाताओं ने इसको अच्छे से रिसीव किया है। और भाजपा की अगर थोड़ी कम रह गई तो वो शिवसेना के साथ जाना मुझे नहीं लगता कि प्रदेश के नेता चाहेंगे। और जो खबरें थी ये कि मध्य महाराष्ट्र भाजपा के नेता शिवसेना के साथ, शिवसेना से पिंड छुड़ाने के चक्कर में थे, इसलिए कि शिवसेना के साथ गठबंधन के बावजूद और कई जगहों पर शिवसेना के कार्यकर्ता भाजपा के उम्मीदवार का प्रचार नहीं करते थे, बूथ छोड़कर चले जाते थे। मुंबई में खासतौर पर जहां 36 सीटें हैं, ये बड़ी शिकायत थी। तो मुझे लगता है कि भाजपा प्रदेश भाजपा के नेता दोबारा सोचेंगे और छोटे दूसरे दलों को कोशिश करेंगे। चलिए 19 तारीख को साफ हो पाएगा। सीधे बारामती का हम रुख कर लेते हैं। राजेश हमारे साथ मौजूद है और उनके साथ बीजेपी के उम्मीदवार हैं जो वोट डाल के आ रहे हैं। क्या कहना है, जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं क्या? थोड़ी देर पहले सुप्रिया सुले से बात की हमने, चित्रा वो आश्वस्त दिख रही थी। बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनसे पूछते हैं। सुप्रिया सुले कह रही थी कि वो अजीत पवार यहां से फिर से जीत जाएंगे। ये इनका तो भ्रम है, ऐसा तो होने वाला नहीं। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि हर जो नया उम्मीदवार है, सब ये मतदार है, सब इन्होंने तो तय करके रखा है ये बार हर हालत में ये तो बीजेपी को जिताएंगे। क्यों? लेकिन लोग कह रहे हैं कि बारामती में काफी विकास किया है, पवार फैमिली ने पूरा विकास किया, यही वजह है कि अजीत पवार यहां से फिर से जीत जाएंगे। नहीं, लो आपको भी दिखता होगा बारामती में विकास है करके, आप जिस रोड पे खड़े हैं ये रोड का विकास तो हुआ है। इसका मतलब पूरे बारामती का विकास हुआ ऐसा नहीं। ब्रिटिशों ने जो भाटघर डैम बनाया, डैम की वजह से 150 साल पहले यहाँ पानी आया। करप्शन क्या मुद्दा है क्या इन चुनाव में? अजीत पवार और उनकी पार्टी पर काफी आरोप लगते रहे। नहीं नहीं, आरोप नहीं, ये तो सही है, ये सत्य है, ये तो हमारा यहाँ गांव का बच्चा भी जानता है। आपका आरोप करेंगे अपनी जीत को लेकर उम्मीदवार आश्वस्त हैं। सच्चाई ये भी है कि 5 बार से अजीत पवार यहाँ से जीते हुए चले आ रहे हैं, इसलिए राह बाकी उम्मीदवारों के लिए इतनी आसान भी नहीं है। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। 9:30 बज चुके हैं और आपको बता दें पिछले 2.5 घंटे से वोटिंग लगातार जारी है। जबरदस्त उत्साह इस वक्त देखा जा रहा है महाराष्ट्र और हरियाणा के मतदाताओं के अंदर। उम्मीद यही है कि पिछली बार के मुकाबले कम से कम इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी ज्यादा बढ़ेगा। दीपक जी, बिल्कुल, वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की उम्मीद है। और इस बीच प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वो बाहर निकलें और अधिक से अधिक संख्या में वोट करें। इंडिया न्यूज भी तमाम वोटरों से अपील करता है कि मतदान के लिए वो बाहर निकलें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति दें। और ये दिग्गज नेता जब वोटिंग के लिए पहुंचे, उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुशील कुमार शिंदे, जिनकी बेटी सोलापुर से चुनावी मैदान में है, अजित पवार बारामती से मैदान में है, सुप्रिया सुले, लोकसभा चुनावों में बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं रहा था बारामती से उनकी जीत का, लेकिन इस बार वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि एनसीपी अपनी सरकार बनाने जा रही है महाराष्ट्र में। देवेंद्र फडणवीस आपको दिखाई दे रहे हैं, नागपुर वेस्ट से उम्मीदवार हैं। विनोद तावड़े और नवाब मलिक, सभी के चेहरे खिले हुए हैं और तमाम ये जो नेता हैं, उम्मीदवार हैं, वो अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। सीधे चलते हैं बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल जी के पास। सुधांशु जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि बीजेपी हमेशा चेहरे आगे करके चुनाव लड़ते आई है, लेकिन इन चुनाव में ऐसा क्या है कि मोदी साहब का चेहरा आगे है, वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दोनों राज्यों के चुनाव में बिना चेहरे के आप चुनाव लड़ रहे हैं, किसी भी चेहरे को आगे नहीं किया गया है? दीपक जी, भाजपा के पास महाराष्ट्र में या हरियाणा में चेहरों की कोई कमी नहीं है, बहुत परिपक्व नेतृत्व है। तो फिर मुख्यमंत्री के लिए कोई क्या होता है, नहीं उतारा गया 15 साल से महाराष्ट्र में और अभी तक? एक सेकेंड, मैं कह रहा हूं ना, मेरी बात अगर जरा सुन ले। महाराष्ट्र में पिछले 15 साल से हम लोग सरकार में नहीं है, अभी तक एक स्वाभाविक नेतृत्व था हमारे पास महाराष्ट्र में गोपीनाथ मुंडे जी का, लेकिन उनके निधन के बाद अब ये जो समकक्ष नेता हैं, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे विनोद तावड़े हो, एकनाथ खड़से हो, बहुत मतलब एक पूरी फहरिस्त है नेताओं की। अब उनमें से जब मौका आएगा समकक्ष नेताओं में एक चुनाव हो जाएगा, और हो जाएगा तो ये कोई विषय है ही नहीं हमारे लिए। हरियाणा में भी ले लीजिए, हम सत्ता में नहीं रहे तो स्वाभाविक है किसी एक व्यक्ति पे केंद्रित होकर राजनीति नहीं रही,
लेकिन वहां पे कोई नेताओं की कमी है क्या? चाहे रामविलास हो वहां पे, चाहे हमारे पास खट्टर जी हो वहां पे, चाहे गुजर जी हो, बहुत बहुत नेता हैं। तो भाजपा के पास नेतृत्व की कोई कमी नहीं है। ये लोगों के मन में एक भ्रम है। और मैंने कहा हमेशा क्या होता है, जैसे आप हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा में सुन लीजिए, चौधरी भजन लाल का चेहरा दिखाया कांग्रेस ने 10 साल पहले और बना दिया हुडा को। तो ये छलकपट हमारे यहां नहीं होता। हमारा सीधा है क्योंकि अभी तक मौका ही नहीं था कोई मुख्यमंत्री के रूप में किसी के प्रोजेक्ट करने का। अब समकक्ष नेता है, जैसे ही बात आएगी तो उनमें से बन जाएगा और उसका बाद नेतृत्व हो जाएगा। मैं इससे एक और चीज कहना चाहता था, मैं बड़ी देर से सुन रहा था महाराष्ट्र के बारे में, ये 5 बार जीते हैं, ये 6 बार जीते हैं। एक किसी दोस्त ने उर्दू में शेर लिखा था, लुटते देखे चौराहे पर चौकन्ने से वह लोग कभी, जो हल पर दावा करते थे हमने भी जमाना देखा है। ये लोग इनके नेतृत्व से ऊब चुके हैं। 15 साल का कुशासन, 15 साल का भ्रष्टाचार, 15 साल का जो जनता के प्रति त्रस्त जनता हो रही है, उसका बदलाव इस समय जनता चाह रही है महाराष्ट्र के अंदर। और यह बदलाव केंद्रित है भाजपा की ओर। क्यों? क्योंकि भाजपा में वो एक उम्मीद की किरण देखते हैं, वो एक सुशासन की कल्पना देखते हैं, वो एक विकास की कल्पना देखते हैं। एनसीपी की बात हो रही थी, एनसीपी और भ्रष्टाचार दोनों पर्यायवाची हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, आप महाराष्ट्र में चले जाइए, सबको भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा एनसीपी के परिप्रेक्ष्य में क्या है सब जानते हैं। कांग्रेस है, ना काम हुआ ना कुछ हुआ, सिर्फ आपस में लड़ाइयां होती रही, बड़ी बात हो रही नेतृत्व की। अरे चौहान साहब से पूछो, आपका चेहरा दिखा के पिछली बार महाराष्ट्र में वोट ली थी क्या? कितने मुख्यमंत्री बदल दिए कांग्रेस ने? तो नेतृत्व के विषय को ना रखिए, ये बड़ा हास्यप्रद विषय है। लेकिन सुधांशु मित्तल जी, एक लोगों की आकांक्षा है, सवाल ये भी है कि किसी तरह हमें परिवर्तन चाहिए कि इस चुनाव को आपने नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द की लड़ाई बना के रख दिया है, नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल की स्थिति इस वक्त देखी जा रही है, चाहे हम बात करें महाराष्ट्र की या फिर हरियाणा की। देखिए स्वाभाविक तौर पे कोई एक व्यक्ति अगर किसी अच्छी चीज का प्रतिबिंब हो जाएगा तो उसको सामने रखा ही जाएगा। नरेंद्र मोदी आज सुशासन और विकास दोनों के प्रतिबिंब बनते जा रहे हैं। अभी एनके सिंह जी ने आपको बताया कीमतों को लेके एक बहुत दुष्प्रचार चल रहा था बहुत दिनों से कि अरे भाई मोदी जी आ गए कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। हम पहले दिन से कह रहे थे कि आए हैं नीतिगत फैसलों से चीजें ठीक होंगी। आज आप खुद ही बता रही हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो पिछले 5 साल के न्यूनतम स्तर पर आ गया। ऐसी सारी चीजें हैं, अब जनता ये चीज महसूस करती है और इसीलिए आज मोदी जी का नेतृत्व जो है वो प्रतिबिंब बन गया है सुशासन और विकास का। और उसी का जो एक दृष्टिकोण है वो महाराष्ट्र में और हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। उनको लगता है इनके नेतृत्व को हमें सुदृढ़ करना है तो हमें महाराष्ट्र में और हरियाणा में इनके संगठन को हमें जिताना चाहिए ताकि दोनों मिलकर हमारी जो स्थिति है उसको अच्छा कर सकेंगे। तो ये स्वाभाविक है और इसी स्वाभाविक परिस्थिति को चलते हुए भाजपा आज ना केवल हम जीत रहे हैं वहां पे, अपनी पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं, एक बहुत अच्छा प्रदर्शन, अभूतपूर्व प्रदर्शन जिसको कहा जा सकता है वो होने वाला है दोनों राज्य में। अभी 5 बजे के बाद आप खुद अपना एग्जिट पोल दिखाएंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तभी स्थिति आपकी साफ हो जाएगी। सुधांशु जी, यही बात मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी पिछले 10 साल में राज्यों के चुनाव में कहते थे, तो आप इलेक्शन कमीशन में जाके उनकी शिकायत करते थे और कहते थे कि ये बयान संघीय ढांचे के खिलाफ है, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है राज्यों को सेंटर। नहीं नहीं कभी नहीं करा, ना 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 बोल रहे हैं आप, कभी नहीं करा जी ना। किसी व्यक्ति ने कोई बयान दिया हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मैंने कहा ना कि किसी व्यक्ति ने क्या बयान दिया मैं नहीं जानता, लेकिन अगर केंद्र सरकार जो है उससे सुदृढ़ हो सकती है तो इसमें संघीय ढांचे के खिलाफ कैसे है? अगर राज्य और केंद्र दोनों मिलके और अच्छी तरह सरकार चलाएंगे और जनता का भला होगा तो ये केंद्रीय ढांचे के खिलाफ कहां से हो जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता ये बात सही है।
चलिए फिलहाल इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कैप्टन अभिमन्यु की, नारनौत से मैदान में है और उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्हें बीजेपी ने नारनौत से उम्मीदवार बनाया है, अपने परिवार के साथ वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। इस बात का दावा बार बार उनकी ओर से भी किया जा रहा है कि हरियाणा में बीजेपी की ही सरकार बनने जा रही है। लेकिन रामकृपाल जी, सुधांशु मित्तल जी जब अपनी बातें रख रहे थे तो आप मुस्कुरा रहे थे जी, उनकी बातों से सहमत नहीं है या फिर? नहीं नहीं सहमत नहीं, देखिए पार्टी का नेता जो है ना वो किसी भी तथ्य को अपने अपने फेवर में हमेशा करना जानता है, चाहे जैसे भी हो। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने, बीजेपी चेहरा उतार के ही लड़ी है और अच्छी तरह से सबको पता है। उपचुनाव में भी एक कोशिश की गई सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में, लेकिन योगी आदित्यनाथ तक को आजमाया गया कि देखें कैसा चलता है कि नहीं चलता है जी। वो फेल हो गया। बिहार में भी आप उसको कह सकते हैं कि ठीक है बाय इलेक्शंस थे, लेकिन फेल हो गया। उसके बाद ये रियलाइज हुआ कि भाई आप चेहरा नहीं महाचेहरा उतारो, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा में अब किसी तरह का, मतलब जिसको कहते हैं जोखिम उठाने का समय नहीं है। तो मोदी जी को लगा कि जब हमारे पास, पार्टी को भी लगा होगा कि जब हमारे पास एक महाचेहरा है जो अभी तक टेस्टेड है और अभी मई में टेस्ट हुआ है, जिसका अप्रैल में टेस्ट हुआ है, तो मोदी वोट बटोरने की ताकत अभी मोदी में है, इसलिए मोदी जी को उतारा गया। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के पास कोई चेहरा होता तो बीजेपी उतारती नहीं। सबसे पहले सुधांशु जी ने गोपीनाथ मुंडे की बात की ना, क्यों अचानक मुंडे जी की बात आती है कि मुंडे जी होते तो, नहीं तो इतने सारे नाम हैं। जाहिर सी बात है कि एक चेहरा आपने तय किया हुआ था वो नहीं है, तो अभी आप डिसाइड नहीं कर पाए कि किस चेहरे को करें, तो एक महाचेहरा आपने उतारा हुआ है, फैक्ट ये है। और रही बात, देखिए बीजेपी चूंकि एक एडवांटेजियस पोजीशन में है, बीजेपी की स्ट्रेटजी भी सही है, केंद्र में कोई भी सरकार लंबे समय तक तभी रहेगी जब राज्यों में वो अपना विस्तार करे जी। सवाल इस बात का नहीं महाराष्ट्र में बीजेपी कितनी सीटें पाती है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो शिवसेना के साथ मिलकर लड़ती, मान लीजिए 150 सीट शिवसेना उसको देती तो भी कित क्या होता। ये जो 288 सीटों पूरे मैदान आपके पास खुला हुआ है, आपका कैंडिडेट हारे या जीते जी। लेकिन जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कभी बीजेपी नहीं लड़ी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर पहली बार बीजेपी का आदमी जाएगा 5% वोट, 7% वोट, 10% वोट, तो इस तरह से महाराष्ट्र में। और जब 288 सीटें लेकर के पहली बार आप दिल्ली में आए हैं, अगर तब किसी प्रदेश में अपना विस्तार नहीं करेंगे तो कब करेंगे। बीजेपी को लग रहा है कि वो दिन आ गया है कि हमें अब बैसाखियां छोड़नी पड़ेंगी। और देखना ये भी होगा 59 वो सीटें जो शिवसेना आज तक कभी नहीं जीती और हमेशा लड़ती आई है 25 साल से, उस पर बीजेपी क्या इस बार कुछ जीत दर्ज कर पाती है या फिर नहीं। हम लौटेंगे अपनी चर्चा पर, लेकिन गुड़गांव का रुख कर लेते हैं। दीपक हमारे साथ मौजूद है। दीपक, वहां पर कितना ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है मतदाताओं में और मुख्य लड़ाई किन किन के बीच? जी बिल्कुल, विधानसभा का जो ये महासंग्राम है इसमें हरियाणा में भी काफी उत्साह जनता के बीच में है, लोगों में काफी उत्साह है। और ये सबसे बड़ा कारण है कि 7 बजे मतदान शुरू होना था लेकिन लोगों की जो भीड़ है मतदान केंद्रों पर वो सुबह 5:30 बजे लग गई थी। यहाँ लोगों को उत्साह था कि अपना कि वो सबसे पहले मत करें। और अभी भी अगर हम दिखाएं तो पीछे देख सकते हैं यहाँ लोगों की लंबी कतारें हैं, जो मतदाता हैं वो अपने मत का उपयोग करना चाहते हैं, जिसे एक जागरूकता ही कहा जाएगा जनता के बीच। और यहाँ पर अगर हम कहें तो कड़ा मुकाबला, हालांकि हरियाणा में कहें तो कई ऐसी पार्टियां जहां इंडियन नेशनल लोकदल है, बीजेपी है, कांग्रेस है, लेकिन साथ में एक गठबंधन अगर हम कहें तो हरियाणा जन चेतना पार्टी और हरियाणा जनहित कांग्रेस, ये भी एक बड़ा गठबंधन है जो इनके साथ मुकाबले में है। और यही कारण है कि काफी अगर कहें तो इंटरेस्टिंग, काफी एक चुनौती भरा चुनाव है हरियाणा के अंदर जी। बिल्कुल, हरियाणा के अंदर चुनौती भरा चुनाव है। और यहां पर आपको बता दें कि अभी जो जानकारी हमें मिली है 6% वोटिंग हुई है महाराष्ट्र में सुबह 9 बजे तक और 4% ये बताया जा रहा है हरियाणा में। ओम प्रकाश चौटाला के बेटे से बातचीत की है हमारे, माफ कीजिएगा, उनके पोते से बातचीत की है हमारे सहयोगी ने, सुनते हैं उन्होंने किस तरह से अपनी जीत के दावे किए हैं। चौधरी देवीलाल साहब की चौथी पीढ़ी भी मैदान में है इस बार चुनाव में।
आप लोगों का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, वोट तो आप डाल चुके हैं लेकिन चुनाव प्रचार में पहली बार वोट डाला है, पहली दफा वोट डाला है, मुझे बड़ा सौभाग्य मेरा है क्योंकि इससे पहले जब भी वोट डालने का अवसर आता था कभी इलेक्शन ड्यूटी पे कहीं हुआ करते थे, कभी कहीं हुआ करते थे, पहली बार अवसर मिला तो ये मेरा सौभाग्य है। मुझे लगता है कि मेरे वोट की भी एक कीमत होगी और वो कीमत इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उस लाखों करोड़ों के वोट बैंक में डल करके निश्चित तौर पर वो ब्रिज बनेगी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार आएगी। किस तरह का था माहौल आप लोगों के लिए, थोड़ा मुश्किल था कि के बाद कोई मुश्किल नहीं परिवार के लिए किस तरह की? जब एक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जेल में गए, आज इन बुजुर्गों के चेहरों की तरफ जहां भी हरियाणा प्रदेश में गए वही बुजुर्ग हमें जो है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के रूप में सामने आकर दिखाई देते हैं। उन्हें हमें गले से लगाया, हमें अपना पोता कहा, बेटा कहा, बच्चा कहा, माताओं बहनों ने हमें गले से लगाया, अपना प्यार दिया, अपना घर दिया। चौटाला साहब जब वापस जेल गए आप लोगों के लिए, मैं कह रहा हूँ चौथी पीढ़ी की मैं लगातार बात कर रहा हूँ क्योंकि अभय भाई साहब से बात होती रहती है, चौथी पीढ़ी के लिए आप लोग युवा हैं, करण से बात करूँ आपसे बात करूँ एक अलग ही जोश नजर आता है और बड़े पॉलिश पॉलिटिशियन भी नजर आते हैं। नहीं नहीं पॉलिश पॉलिटिशियन तो राजनीतिक घर में पैदा हुए हैं और बचपन से इसी माहौल को हमने झेला है, गरीब किसान मजदूर कमेरे दलित पिछड़े आम जनमानस की समस्या को जाना है और जब बच्चा पैदा होता है तो प्रैक्टिकली भी कुछ सीखता है सिर्फ किताबों में नहीं, तो हमने अपने घर के आसपास ऐसा माहौल देखा है। एक आखिरी सवाल कर लेते हैं, कांग्रेस की बात तो लगातार हो रही है कि भाई डाउन जा रही है, हर कोई मान भी रहा है लेकिन फाइट में तो बीजेपी भी डटी हुई है ना, जब पीएम देश के उतर के और लहर भी देखी। क्यों कह रहे हैं वो तो कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस, कैसे सारे कांग्रेसी, सारे ही सारे कांग्रेसी हैं जिनसे 10 साल हमने पार पाने का प्रयास किया, आज वही लोग अगर भगवान का चोला पहनकर गंगा नहाने की बात करेंगे, ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है। दिग्विजय सिंह हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, बहुत तीखे तेवर हैं और इसी तरह से चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे और अब उसके बाद भी इस तरह का जो माहौल है और अब देखना ये है कि 19 अक्टूबर को जनता किसे चुनती है। कैमरा पर्सन राज सोनी के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज सिरसा। ओम प्रकाश चौटाला फिलहाल तिहाड़ में है लेकिन उसे भी अपने पक्ष में करने की कोशिश की जा रही है उनके पोते की ओर से। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। महाराष्ट्र की 288 और हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से ही वोटिंग लगातार जारी है और तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं तमाम वो बड़े दिग्गज जो वोटिंग के लिए पहुंचे, काफी ज्यादा आश्वस्त अपनी अपनी जीत को लेकर दिखाई दे रहे हैं लेकिन नतीजे क्या होंगे 19 तारीख को ही पता चलेगा। फिलहाल सुशील कुमार शिंदे जिनकी बेटी मैदान में है, खुद अजीत पवार भी पहुंचे अपनी जीत का दावा करते हुए और इस तरह से लंबी फहरिस्त है नेताओं की लेकिन इस बार बहुत कुछ दांव पर भी लगा हुआ है क्योंकि गठबंधन जो सालों से चला रहा था वो अलग अलग हो चुका है और यही सवाल लेकर मैं आपके पास आना चाहूंगी जगदीश उपासने जी, क्योंकि अगर हम सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें तो कांग्रेस एनसीपी के बीच उस तरह की तूतू मैं हम नहीं देख रहे हैं जितना शिवसेना और बीजेपी के बीच में, बीजेपी हालांकि इससे बच रही है लेकिन शिवसेना उतना ही प्रहार कर रही है, इसके पीछे मकसद आपको क्या दिखाई देता है? कांग्रेस एनसीपी के बीच जो तूतू मैं है वो पिछले 15 साल में हो चुकी, जब से उनका गठबंधन है पहले दिन से ही तूतू मैं होती रही और पूरी सरकार में तूतू मैं होती रही और उसका हश्र हम देख रहे हैं कि पृथ्वीराज चव्हाण ने यह बयान दिया कि भाई मैं कुछ कर ही नहीं सकता था इनके खिलाफ, इनके नाम घोटाले में थे अजीत पवार के और इन सब लोगों के, गठबंधन बचाना था, गालियां खाकर भी गठबंधन कांग्रेस ने बचाया लेकिन जो शिवसेना ने भाजपा के खिलाफ जो मोर्चा खोला हुआ है और भाजपा ने पहले दिन से और संयम बरता है, उनके नेताओं ने राज्य स्तर के नेताओं ने संयम बरता, ये बड़ी बात है, केंद्र के नेताओं का बरतना बहुत स्वाभाविक है। केंद्र से जब पहले दिन ही निर्देश मिल गया हो, नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि बाला साहब ठाकरे का सम्मान करते हुए शिवसेना के बारे में मैं नहीं बोलूंगा, फिर छोटे नेता तो ऑब्वियसली उसी चीज को फॉलो करेंगे। नहीं, सामान्यतः जैसी कटुता बढ़ी है गठबंधन टूटने से, जो महायुति टूटने से जो कटुता बढ़ी दोनों दलों में, उससे क्षेत्रीय नेताओं का बोलना स्वाभाविक था लेकिन उन्होंने नहीं कंट्रोल रखा, देवेंद्र फडणवीस और विनोद तावड़े जैसे नेताओं ने, लेकिन शिवसेना के नेताओं ने और छोटे नेताओं ने भी उद्धव ठाकरे से लेकर उन्होंने जो बातें भाजपा के बारे में कही हैं, मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र के मतदाता ने कोई अच्छे उसको माना होगा क्योंकि जिस तरह आप कल तक उनके साथ थे, 25 साल आप उनके साथ बने रहे और अचानक साथ छूटने पर आप इस तरह गालियां देने लगे, तो मुझे लगता है कि इसका असर शिवसेना का जो मराठी वोटर है, खासतौर पर मिडिल क्लास का जो मराठी वोटर है, उस पर पड़ा होगा और वो ये बात सोचने के लिए मजबूर हुआ होगा कि क्या वो शिवसेना को वोट करें या न करें। सुधांशु मित्तल जी को जोड़ना चाह रहे हैं, सुधांशु जी ये बात तो तय है और शिवसेना बार बार जिक्र भी कर रही है कि बीजेपी ही दुश्मन नंबर वन है। देखिए भाजपा को दुश्मन नंबर वन कहना स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि जो जना जीतता है उसी को तो आप दुश्मन मानेंगे। आज स्पष्ट स्थिति है कि भाजपा जो है महाराष्ट्र में सरकार बना रही है,
तो कांग्रेस को दुश्मन नंबर वन करके क्या करेंगे जो चौथे नंबर पे आने वाली है। लेकिन जो अभी बड़ी बात कही, अच्छी बात कही जा रही थी, एक वो बड़ा गाना था कि ना तुम बेवफा हो ना हम बेवफा हैं, मगर क्या करें अपनी राहें जुदा हैं। शायद अगर इस दर्शन में ये चुनाव शिवसेना लड़ती तो अच्छा रहता। हम लोग साथ थे 25 साल से साथ थे, उसके बाद अलग हुए, कारणों से अलग हुए, इसलिए उसके बाद कटुता और उसमें अपशब्द जब आदमी लेके आता है तो लोगों के मानस में ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। उनको लगता है कि भाई कल तक तो आप लोग दोस्त थे, आज होते ही आपने इतनी गाली गलौज चालू कर दी। हो सकता है कि मत विभाग आपके मतों में, आपके मूल्यांकन में, आपकी सोच में फर्क आ गया होगा, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर अगर ये कटुता का दिखाई जाती है तो उससे किसी भी संगठन का फायदा नहीं होता। मुझे अभी भी लगता है कि शिवसेना के नेतृत्व को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ठीक है अपने अपने मतभेद हो सकते हैं, मूल्यांकन में फर्क हो सकता है, हमें लगता है कुछ आपको कुछ लगता है, वो ठीक है, स्वाभाविक है राजनीति में, लेकिन दोस्ती का टूटते ही इतना जहर कहां लोगों में, हमारी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। लोग जो आज के दिन राजनीति के प्रति और राजनेताओं के प्रति रुष्ट रहते हैं, उनके प्रति अनारत। सुधांशु मित्तल जी, माफ कीजिएगा, ब्रेक के लिए हमें रुकना है, लेकिन मतदाताओं में दरअसल इन चारों पार्टियों ने भी भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है कि वास्तव में आपका दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। इस पर मैं लौटूंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन उसके पहले आपको बता दें आज शाम 5 बजे से लगातार सिर्फ इंडिया न्यूज पर देखिए दीपक चौरसिया के साथ हमारा एग्जिट पोल।